अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक क्रांति दिवस और स्वतंत्रता दिवस तक घर घर तिरंगा झंडा लगवाने निकल पड़े हैं। सपा पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे विधानसभा अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के प्रभु झूलेलाल वार्ड के रामनगर कॉलोनी में सपा नेत्री व सिंधु महिला परिवार की अगुवाई में घर घर में लगा तिरंगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे मौजूद रहे। पांडे ने भाजपा पर निशाना लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट रोडवेज व सड़कों को प्राइवेट कर रही है। गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि से गरीब जनता परेशान है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक क्रांति दिवस के दिन से लेकर और स्वतंत्रता दिवस के दिन तक हम लोग घर घर झंडा वितरण और इस राष्ट्रीय ध्वज को हर घर पर फहराने का जो संकल्प है उसे पूरा कर रहे हैं। आज रामनगर वार्ड में बहन मुस्कान सावलानी जी के नेतृत्व में और हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी और सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम सारे लोग घर घर अपने इस राष्ट्रीय ध्वज को वितरित कर रहे हैं, हर घर पर हर छत पर लग रहा है और यही परिकल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा ये भारतवर्ष, हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बने, तरक्की करे, उन्नति के रास्ते पर जाए, बेरोजगारी समाप्त हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो, नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो और हिंदुस्तान हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी परिकल्पना के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां और सरकारी संस्थानों में ध्वज को बेचा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जो बेचने वाले हैं बेचबे करेंगे। देश बेच दिन, एयरपोर्ट बेच दिन, सड़क बेच दिन, तो क्या कर लोगे भैया? लेकिन हम समाजवादी लोग डंडा झंडा रस्सी सब फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हम देश को न बेच सकते हैं और न देश के सम्मान के साथ अपमानजनक व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए हमने झंडा डंडा समाजवादियों ने खुद खरीदा है और फ्री में झंडा हर घर पर लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा था कि हर घर झंडा 9 तारीख से 15 तारीख तक लगवाया जाए, तो हम सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के पूर्व मंत्री पवन पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पे रामनगर सिंधी कॉलोनी में घर घर झंडा लगवाया गया है। निःशुल्क झंडे का वितरण घर घर किया गया है और अभी किया गया है और शाम को पुनः किया जाएगा जिन घरों में छूट गया है, और हम सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराएंगे।